by Nish. My name is Nishi and kaise ho aap sab? Hope you're doing great. So guys, today I'm going to share this look right here and this is going to be Indian wedding guest look and isme maine black smoky eye look create kiya hai because my attire is also in black. So maine socha ki kyun na black smoky eye look create kiya jaye. And guys, wedding season start ho chuka hai. Maine socha kyun na wedding series start kiya jaye. And guys, this is going to be hashtag wedding swag series. So, अभी गाइस आपको जितने भी नवंबर एंड दिसंबर स्टार्टिंग में जितने भी मेरे वीडियोस देखने को मिलेगा वो सारे वेडिंग से रिलेटेड होने वाले हैं. बट इसमें मैं प्रॉमिस नहीं करूंगी कि मैं डेली वीडियोस डालूंगी, बट या अभी जितने भी वीडियोस आएंगे सब वेडिंग से रिलेटेड ही रहेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. एंड गाइस, अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहां पे एक रेड कलर का सब्सक्रिप्शन बटन होगा, उसे जरूर प्रेस कर दे. एंड उसके बगल में एक घंटी होगा, उसे भी बजा दे सो दैट कि मैं जब भी कोई वीडियोस डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप मेरा कोई भी वीडियोस मिस ना करें. एंड गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो ये लुक पसंद आता है सो प्लीज गिव अ लाइक एंड ऑल्सो कॉमेंट कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा. सो गाइज, विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहले आई मेकअप से स्टार्ट करूंगी क्योंकि ये ब्लैक स्मोकी आई लुक होने वाला है एंड मेसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए सेफ साइड रहने के लिए मैं यहाँ पे आई मेकअप से स्टार्ट कर रही हूँ. एंड अगर आप भी इस तरह का कोई स्मोकी आई लुक या फिर ग्लिटर आई शेडो यूज़ करते हो तो उसके फॉल आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप भी आई मेकअप से ही स्टार्ट करें सो दैट कि जो भी फॉल आउट हो वो आप आराम से साफ कर सको. तो यहाँ पे मैंने अपने पूरे लिड एरिया में मेबलिन का कंसीलर लगाया है एंड उसको सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे मेबलिन का ही लूज कॉम्पैक्ट लिया है, उससे अपने आईज़ को पूरे सेट कर लूँगी. एंड देन यहाँ पर मैंने रेवोल्यूशन सोफिक एक्स्ट्रा स्पाइस आई शेडो पैलेट लिया है, उसमें से मैं ये ब्राउन शेड लेकर के एज अ ट्रांजिशन शेड इसको अपने क्रीज लाइन एरिया के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ. मैं यहाँ पे सेम आई शेडो पैलेट में से ब्लैक शेड लिया है, उसको अपने क्रीज लाइन एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे. एंड उसके लिए मैंने यहाँ पे शेडर ब्रश लिया है एंड हल्का हल्का लेते हुए इसको धीरे धीरे इंटेंसीफाई करते जाना है. एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे मेबलिन का जेल लाइनर लिया है और उसको पूरे अपने लिड एरिया में अप्लाई कर लूँगी. बहुत ज़्यादा नीट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे भी इसको स्मज करना है, तो मैंने यहाँ पर स्मजर लिया है, उससे इसको अप्लाई करते जा रही हूँ एंड स्मज करते जा रही हूँ. एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे फिर से ब्लैक शेड लेकर के इसको ऊपर से टैप ऑन करूँगी सो दैट कि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए और इसको अपने क्रीज लाइन एरिया तक अप्लाई करते रहेंगे स्लोली स्लोली एंड बाद में इसको स्मज भी कर लेंगे सो दैट कि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे. नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लैक में इंस्टा लाइनर लिया है, उससे यहाँ पे मैं विंग लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. सो यहाँ पे मेरा आई मेकअप कंप्लीट होता है एंड स्क्रीन जा करके मैंने यहाँ पे फॉल्स लैश अप्लाई कर लिया है. उसके बाद मैं यहाँ पे फेस मेकअप करूँगी. तो फेस पे मैं यहाँ पे सबसे पहले गुड वाइब्स का अर्गन फेशियल ऑयल अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ऐसे भी विंटर्स आ गए हैं और अगर आप अपने फेस पे बहुत ही फ्लॉलेस मेकअप चाहते हो सो या आपके फेस में बहुत अच्छे से हाइड्रेशन एंड नरिश होना चाहिए आपका स्किन सो उसको अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे प्रेप करूँगी अपने स्किन को. एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लोटस का क्रीम लिया है एंड उसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी. ये थोड़ा सा ड्राई है बट ऑयल लगाने के बाद ये यहाँ पे मेंटेन हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं कर रहा है. उसके बाद मैं यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई करूँगी, उसके लिए मैंने यहाँ पे लॉरियल का इनफेलेबल फाउंडेशन लिया है. एंड गाइस, ये फाउंडेशन मस्ट ट्राई फाउंडेशन है, बहुत ही अमेजिंग फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छा टेक्स्चर देता है आपके स्किन को एंड बहुत ज़्यादा केकी नहीं लगता है, बहुत ही फ्लॉलेस फिनिश देता है ये. सो ज़रूर ट्राई करें इसको. सो इसको मैं वेट स्पॉन्ज लेकर के इसको अपने पूरे फेस पे डैबिंग मोशन में अप्लाई कर रही हूँ. एंड हमेशा फाउंडेशन को डैबिंग मोशन में ही अप्लाई करें क्योंकि अगर आप फाउंडेशन को ड्रैग करोगे तो वो वहाँ पे मार्क छोड़ देता है जो कि अच्छा नहीं लगता है. नेक्स्ट मैं यहाँ पे कंसीलर अप्लाई करूँगी, तो उसके लिए वही मैंने मेबलिन का कंसीलर लिया है और उसको अपने इनर कॉर्नर एंड आउटर वी पे इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ सो दैट कि बहुत ज़्यादा अप्लाई ना हो जाए इसीलिए. एंड अपने हाई पॉइंट्स एरिया पे जिधर को आपको हाईलाइट करना है उन सारे पोजीशन में हम अप्लाई करेंगे एंड अगेन डैबिंग मोशन में वेट स्पॉन्ज की मदद से इसको इस तरीके से डैब डैब कर लेंगे. आप देख सकते हो कि ये कंसीलर जो है कितने अच्छे तरीके से मेरे डार्क सर्कल्स को जो है हाइड कर दे रहा है एंड जो भी मेरे ब्लेमिशेस हैं उनको भी हाइड कर देगा और अच्छे तरीके से हाईलाइट कर रहा है फेस को, जो भी पोर्शन को हाईलाइट करना है.
कंसीलर को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे मेबलिन का लूज कॉम्पैक्ट लिया है और उसको डायरेक्टली स्पॉन्ज के मदद से ही मैं लेकर के अपने अंडर आई एरिया में अप्लाई करूँगी। एंड ये बहुत सही टेक्निक है, इससे आपके क्रीजेस बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। एंड मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेक नहीं करूँगी, बस स्लाइटली बेक करने के बाद मैं अपने पूरे फेस पे हल्का सा पाउडर लेकर के उसको अप्लाई कर लूँगी अपने पूरे फेस एंड नेक पे। तो आफ्टर अप्लाइंग लूज कॉम्पैक्ट यहाँ पे मैं अपने आईब्रोज को सेट कर लूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे बेनिफिट का आईब्रो पेंसिल लिया है और गाइज इसके टिप इतने ज़्यादा प्रिसाइज है कि इसको अप्लाई करना बहुत ही ईजी होता है। एंड जितने भी आपके गैप्स एरिया है उसको बहुत ईजिली हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं कोई भी एक्स्ट्रा थिक ब्रॉ जो है वो नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, जो मेरा नॉर्मल शेप है जस्ट मैं उसी को फिलअप कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने दोनों आईब्रो सेट कर लिए हैं। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे और अप्लाई करूँगी। उसके लिए मैंने सेम आई शेडो पैलेट में से ब्राउन शेड लिया है और उसको अपने हॉलो चीक्स एरिया पे अप्लाई करूँगी, फॉरहेड एंड जॉ लाइन एरिया पे अप्लाई करूँगी, सो दैट कि मेरा फेस जो है उसको सही डायमेंशन मिल जाए एंड माई फेस वुड लुक स्लिमर। उसको भी कॉन्टोर करूँगी सो दैट कि जो मेरा नोज़ है वो शार्प दिखे। एंड गाइज जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उसके जो डिटेल्स है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके आप चेक कर लें। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्लश अप्लाई करूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे फेसेस कनाडा का ब्लश लिया है एंड उसको अपने चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ एंड ऑल्सो ऑन माई चिन एंड नोज पे भी मैं अप्लाई करूँगी सो दैट कि एक फ्रेश लुक मिल जाए इसीलिए। इसमें यहाँ पे मैं मेबलिन न्यूयॉर्क का मास्टर क्रोम हाइलाइटर लिया है एंड फैन ब्रश की मदद से अपने चीक बोन एरियाज, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बोन्स, फॉरहेड, इन सारे एरियाज़ को हाईलाइट कर लेंगे। स्पेशली जो भी आपके हाई पॉइंट्स हैं उन सारे एरिया को आप हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट मैं काजल अप्लाई करूँगी जो कि मेबलिन न्यूयॉर्क का काजल है और उसको लोअर वाटर लाइन एरिया पे अप्लाई करूँगी एंड देन उसको स्मज करना है, क्योंकि अगर आप स्मोकी आई लुक क्रिएट करते हो, कोई भी स्मोकी आई लुक क्रिएट करते हो, तो अपने लोअर लैश लाइन पे भी स्मज ज़रूर करें सो दैट कि ये जो है कम्प्लीट लुक मिलेगा आपके स्मोकी आई का। इस आई लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे शुगर का मस्कारा लिया है और उसको अपने लैश पे अप्लाई करूँगी एंड यहाँ पे जो कैमरा है मेरा वो आउट ऑफ फोकस जा चुका है सो या तो इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई करूँगी जो कि मैंने कलर बार का लिपस्टिक लिया है। एंड गाइज ये लिपस्टिक बहुत ही अमेजिंग है, बट या ये लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक नहीं है, बट या बहुत ही अमेजिंग है एंड आपके लिप्स पे बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल, इसका शेड अमेजिंग है और ये थोड़ा सा प्राइजी है, बट या सो गाइज यहाँ पे मेरा लुक कंप्लीट होता है। एंड उसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे मिस क्लेयर का सेटिंग स्प्रे अप्लाई किया है एंड अपने इनर कॉर्नर पे सिल्वर ग्रेश आई शेडो अप्लाई किया है सो दैट कि आई लुक को एक ग्लैमरस लुक मिल जाए। एंड इस लुक को मैंने बहुत ही ज़्यादा हाई फाई नहीं किया है एंड बहुत ही सिंपल एलिगेंट लुक क्रिएट किया है, जस्ट अ बिंदी ईयर रिंग्स एंड एक गले में सेट अप्लाई किया है। एंड या हियर माई लुक इज़ कम्प्लीट। एंड गाइज कैसा लगा आपको मेरा ये लुक, पसंद आया ना? और अगर पसंद आया हो तो गाइज प्लीज़ गिव अ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर ले एंड वहाँ पे एक बगल में घंटी होगा उसे भी ज़रूर बजा दे सो दैट कि मैं जब भी कोई भी वीडियोज़ डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप फटाक से आप मेरा वीडियोज़ देख लो। सो गाइज टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।